अरे रुक जा इधर ही रुक ना, काहे जा रहे हो उधर पीछे 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 वाइड वाइड ए पीछे ना वो ना ए टोपी वाले भाई पीछे भाई हिला मत यार बहुत वाइड है भाई मयूर हिला मत भाई सर सर इन द सेंटर प्रतीक भाई सामने सिद्धार्थ भाई बोलो भी सेंटर मैंने एक राउंड टेबल रखा ऑफ द गेम चेंजर्स ऑफ 2022 द डिसरप्टर्स, यानी कि ये वो लोग हैं जो कोई भी प्लेटफॉर्म पर आए ये इतिहास बनाते हैं, फैंस इनको फॉलो करते हैं, ट्रेंड होते हैं, ये प्लेटफॉर्म को ये लोग डिफाइन करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म चाहे ये कुछ करते हैं, क्यों ना भाई। यस थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई हमें बुलाने के लिए, और बहुत मजा आया, बहुत दिल की बातें करी और अच्छा भी लगा, और इसके ये सब के थ्रू हम लोग सबके एक दूसरे के फैंस तक भी पहुंच सकते हैं और सबको बोलना चाहेंगे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए लड़ो मत। और डबल ने आते हुए बोला था, डबल ने आते हुए बोला था कि इट्स ग्रेट मीटिंग यू गाइस, तो मैं जाते हुए बोलूंगा कि इट वाज ग्रेट। ओह ये सबसे इंपॉर्टेंट ये था, हमने एक दूसरे को बहुत अच्छे से जाना इतने कम टाइम में, अब सफर करता रहेगा। नकुल मेरा सारा प्यार इन चारों को, आज से पहले मुलाकात लंबी नहीं हुई थी पर आज मैंने कैमरा ले भी गॉट। सिद्धार्थ ऑफ कोर्स हमारे इंडस्ट्री के भी वेटरन लेजेंड बोल सकते हैं, तब से काम कर रहे हैं जब से हम लोग स्कूल में थे। ओए नो नो जेन्युइनली सो फन टू सी हाउ थ्रू द इयर्स यू पिवटेड टू डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड आई थिंक इट्स समथिंग वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू, लाइक ऑल ऑफ अस फॉर व्हाट बीइंग रेलेवेंट राइट, लाइक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कंटिन्यू इवॉल्विंग एंड यू आर स्टिल बीइंग चाइल्ड लाइक, यू नो, एंड आई थिंक इफ ऑल ऑफ अस कैन कीप दैट एज वी गो अलोंग वी विल प्रोबब्ली डू वेल इन आवर लाइफ। अरे बहुत अच्छा कर रहे हो यार, एक सेकंड प्रिंस भाई थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बोलेंगे कि आप हम सबको बहुत सारा प्यार देते हैं, हम ब्लेस्ड करते हैं, और हम सब की तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और एक चीज कहना चाहता हूं, ये गेम चेंजर्स ऑफ 2022 द डिसरप्टर्स आएगा मेरे YouTube चैनल पर इन अ डे और टू, प्लीज सपोर्ट वॉच, क्योंकि दीस बॉयज आर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ कंटेंट। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। भाई 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 उधर उधर चले जाओ। अच्छा भाई एक मैं अपना थंबनेल के लिए बना लूं, भाई एक मिनट आप लोग खींचेंगे चलो स्टार्ट एवरीबॉडी। थैंक यू भाई मेरे आगे मत जाओ यार, मेरे आगे आ सकता, अरे आगे ले सकता कि नहीं मेरे को इतना पता खाली ले सकता ना, मेरे ऊपर से ये ऊपर से दम। अरे भाई चल ना, मेरे को मोबाइल में भी लेना है, इसमें भी लेना है, आप नहीं ले रहे हो मोबाइल में भी ले रहे हो। नकुल भाई सिद्धार्थ एक सोलो दो ना, सिद्धार्थ भाई ये कैमरा में यहाँ पर नकुल भाई एक सोलो सिद्धार्थ वन टुगेदर कम
सर नकुल भाई साहब एकदम सामने प्रदीप फर्स्टली गुड मॉर्निंग वेरी गुड टू सी यू गुड आफ्टरनून हो गया क्या कहना चाहोगे किस तरह का डिस्कशन आज हुआ था मुझे तो ये लगा था कि बस बिग बॉस ना बन जाए बट क्योंकि नहीं बना एंड अच्छा था डिस्कशन बहुत अच्छी बातें बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिली एक दूसरे के बारे में एंड सबकी लाइफ के बारे में पता लगा कि यू नो किसकी लाइफ में क्या हुआ है और किस फेज पे आके क्या एक आर्टिस्ट की लाइफ में किस फेज पे आके क्या होता है क्या नहीं होता तो बहुत कुछ जानने को मिला आई थिंक मुझसे सारे सब लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे देखा जाए तो चाहे एज में छोटे थे बट ज़्यादा एक्सपीरियंस थे मुझसे एक दो लोग सब लोग इनफैक्ट बहुत कुछ जानने को मिला गेम चेंजिंग 2022 बाकी गेम चेंजिंग 2022 ईयर रहा है आपके लिए नागिन बिग बॉस जिस तरह से शो आए हैं और जिस तरह के गाने इंडिपेंडेंट सॉन्ग से प्यार मिला है क्या कुछ कहना चाहोगे इस टाइटल को बाकी रातों रात सारे स्टार बनने के लिए कि बहुत रातें बीती हैं जैसे मैंने यहाँ पे बोला एंड वो है बात सच्ची गेम चेंज 2022 में होने के लिए भी बहुत साल बीते हैं बहुत मेहनत करी है जिंदगी आम जिंदगी की चीज़ें हुई हैं बहुत सारी चीज़ें एंड या शो ही है सर तो इविक्ट होते रहेंगे यार एंड में एंड तक चलते रहेगा इविक्ट होते रहेंगे बट प्यार किसने कितना जीता वो मायने रखता है यस नागिन फैंस काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको स्पेशली तेजस्वी सिम्बा आप कुछ बताना चाहोगे मैं इतना बोलूँगा कि भाई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त आई एस आप कम बैक कर सकते हो नागिन का तो पता नहीं बट अब तो चल ही रहा है बस सब कुछ जो चल रहा है थैंक यू सो मच थैंक यू शुक्रिया येस डेफिनेटली एक रियलिटी शो जीतना और वो रियलिटी शो पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों ने पसंद किया प्यार किया और उस रियलिटी शो का हिस्सा होना और उसके साथ साथ जीतना तो आप जब कोई रियलिटी शो जीतते हो तो वो एक अगर वोटिंग सिस्टम है या आपका एंगेजमेंट रेशियो है तो इट शोज़ दैट हाउ मच पीपल लव यू आउटसाइड एंड इस साल की मैं बात करूँ शुरुआत आपकी लॉकअप की ट्रॉफी से हुई उसके बाद काफ़ी जिस तरह की जर्नी रही है इस साल की अलहमदुल्ला सो हैप्पी और फैंस को ना भाई मैं फैंस को थैंक यू आई डोंट थिंक मैं इस लाइफ में बोल पाऊँगा मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी थैंक यू बोलने के लिए क्योंकि इतना प्यार करते हैं लोग और मैं जब इंटरनेट पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि हर कोई रोज़ नए फैन पेजेस बनते हैं कोई रोज़ नए मैसेज आते हैं हर तरीके के लोग फॉलो करते हैं तो आई फील सो गुड और मैं वही बोलूँगा कि मैं इतना काम करके इतना प्यारा एंटरटेन करते रहूँगा आपको तो शायद मेरा थैंक यू वही है सिद्धार्थ आप सिद्धार्थ करण का जो शो है दैट्स बीन लाइक अ गेम चेंजर बहुत बड़ा प्लेटफार्म था ये यू नो एवरीबॉडी पुटिंग टुगेदर क्या कहेंगे आज का जो इंटरव्यू था और इंटरव्यू तो कम बातें हमने बहुत दिल की करी और आई एम सो हैप्पी कि सिद्धार्थ भाई ने मुंजली का क्वेश्चन नहीं किया I'm just kidding. जब इन्होंने बोला कि राउंड द टेबल आई एम प्लानिंग और मैं फैसू सोच रहा हूँ करण कुंद्रा प्रिंस तो ऑलवेज जब उन्होंने बोला भी तो मुझे लगा ओके सब लोग हैं अपने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और आज जिस तरह की बातें हुई आई डेफिनेटली से कि इट वाज लाइक वेरी गुड इंटरव्यू एंड इट शुड बी सबको सुनना चाहिए इसको ये पूरा मुझे लगता है कि इतना अनफिल्टर्ड था और इतनी रॉ इतनी दिल की बातें और सही बातें मुझे जहाँ तक लगता है तो ये लोगों तक पहुँचना चाहिए और बहुत मज़ा आया और आई एम सो हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ इट सिद्धार्थ भाई थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और ऐसी प्यारी और बड़ी बढ़िया पर्सनालिटीज़ के साथ मुझे बिठाने के लिए इतनी इज्जत देने के लिए शुक्रिया मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि नकुल हो फैजू हो मुनव्वर हो प्रिंस हो प्रतीक हो एक साथ अंडर वन रूफ अपने राइज अपने फॉल अपने इनसिक्योरिटीज़ अपने दिल की बातें रियल होकर यार इट वॉज अनबिलीवेबल सो ये डेफिनेटली चाहूँगा सब लोग देखें इमेजिन बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी थे ये सब आपस में कर रहे थे हमने बहुत सारे बॉलीवुड के राउंड टेबल्स देखे हुए हैं बट ये याद रखना चाहिए कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स है जो हमारे साथ इन्होंने हर प्लेटफॉर्म में इतिहास बनाया है ये लोग को आप डेली कंज्यूम करते हो या आपके घर में पहुंचते हैं और ये कोई भी प्लेटफॉर्म में जाए हिस्ट्री बनाते हैं थैंक यू सो मच
यहाँ पर बैठ के आ रहा हूँ, दो मिनट यहाँ पर लिख के आता, प्रॉमिस आपको। मैं तो पीछे से ले लो ना यार, इतने में मुनावर आ जाएगा। प्रिंस भाई क्या कहना चाहिए, गेम चेंजिंग 2022 का राउंड टेबल का जी, किस तरह का टेबल डिस्कशन हुआ? बहुत ही प्यारा यार, हम फ्लो के साथ गए, जो सबकी जो लाइफ के एक्सपीरियंस है हमने वही शेयर किए थे, है ना, सब लाइफ में कैसे अचीव करके यहाँ तक पहुँचे, मेहनत करके आगे तक पहुँचे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग वो देखते हैं जो हमारी तरह हैं, जिनका पीछे से कोई बैकग्राउंड नहीं है, है ना, जो आके स्ट्रगल करके आगे कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सारे जितने भी लोग आए थे वो सब एग्जाम्पल्स हैं। सो मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अमेजिंग था। 2022 की मैं बात करूँ, 2022 कुछ ही दिन में ख़त्म होने वाला है, 2023 की शुरुआत हो रही है, प्रिंस किस तरह 2023 को देखते हैं, क्या कुछ फैंस के लिए नया आने वाला? 2022 के दिसंबर में हमने दो बड़े हिट गाने दिए हैं, एक मेरा मुनावर का जो ग्लोबल चार्ट पे अभी नंबर वन ट्रेंड कर रहा है इंडिया में, और एक और जो मेरा और परमेश का रफ्तार भाई का है वो गाना, वो भी ट्रेंड कर रहा है। सो 2023 में बहुत सारे गाने मिलने वाले, एल्बम मिलने वाली है, वो साल पूरा म्यूज़िक हुआ है, और आप सबको देखिएगा कि लोग हमें कितना प्यार कर रहे हैं उसके लिए, तो वो बस प्यार बना रहे और आप सबको हम एंटरटेन कर। शुरुआत लॉकअप से हुई थी, काफ़ी अमेजिंग था, उसमें प्यार काफ़ी आपको मिला, उसके बारे में अभी लॉकअप 2 की भी चर्चा हो रही है, कि आपको फिर से लॉकअप 2 में या फिर बिग बॉस के कोई भी एपिसोड को देख पाएंगे? फर्स्ट ईयर तो ऐसा था ना कि वो शो में जाकर कुछ अलग करना था, तो हमें वो था, आई डोंट नो, पर यस अगर कुछ अलग तरह से जाने का मौका मिला तो ज़रूर मैं शो को कुछ देकर ही आऊँगा। अच्छा था प्रिंस, इसके अलावा बिग बॉस भी चल रहा है मुनावर की, आप किस तरह बिग बॉस फॉलो कर पा रहे हो? मैं इस साल से सीखा हूँ, मैं इस साल बिग बॉस फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हर साल बिग बॉस फॉलो करता रहा, आई डोंट नो, मेरे को शायद इतना पसंद नहीं आ रहा इस साल, यह रीज़न है या फिर मैं बहुत बिजी हूँ वो रीज़न है, मेरे को नहीं पता, पर हाँ कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद है, शिव पसंद है क्योंकि वो हमारे रोडीज़ का ही है ना, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा इंसान है, प्रियंका पसंद है, वो अच्छा खेल रही है जो मैंने क्लिप्स में देखा है, और अब्दू है, पता नहीं चला, शायद चला गया ना, अब्दू नहीं है, हाँ तो अब्दू, ये तीन लोग तो मुझे एमसी स्टैन, क्या आपके टॉप थ्री यही है? टॉप फोर मेरे यही है, एमसी स्टैन, अब्दू एंड शिव और प्रियंका। और इसके अलावा 2023 में शुरुआत में किस तरह के प्रोजेक्ट? सो 2023 में मेरा और पहला गाना, एल्बम का पहला गाना आ रहा है मेरा और GD47 का जो हसल में था, सो हसल में आपने सबने वो देखा होगा, GD47 को, उसका मेरा गाना आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग, वो Jan 15 तक रिलीज़ हो जाएगा। सो बहुत ही प्यारी जगह है एंड इंटीरियर का बहुत ही ब्यूटीफुल है, आई थिंक जितनी दिन में ब्यूटीफुल लग रही है इससे ज़्यादा शाम को ब्यूटीफुल लगेगी, तो एक दिन मुझे शाम को आना पड़ेगा अपनी वाइफ के साथ इस जगह का और मज़ा लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच यार, आगे का थैंक यू या देखो हम लोग चिल कर रहे थे, इमेजिन प्रतीक, सेजपाल, फैजू, मुनव्वर फरूकी, नकुल मेहता, सब अंडर वन रूफ, प्रिंस नरूला, क्या वाइब था, क्या एम्बियंस थी, माहौल इतना अच्छा क्रिएट किया कि दिल से बातें निकली। इट्स अ ग्रेट प्लेस, मुझे लगता है कि जो फर्नीचर एंड एवरीथिंग इज वेरी 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 नाइस एंड बहुत नेचुरल लाइट है यहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी थी। चलो एक चंग में ये डाल देंगे, एक चंग में वो डाल देंगे, एक बार करो 5 6 7 मैं काउंट करूं, एक बार गाना लगाओ ना, तो एक बार करो, रेडी एंड 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 9 करें गाइस, पीछे चलो।
ये पीछे तो पीछे जाओ और एक दूसरा वो आ गया पीछे जाओ दूसरा आ गया आप लोग भी वाइप करते रहो पीछे वाला भी वाइप करते रहो या ये करो ना हाँ साथ में करो 3 2 1 and action नहीं एक साथ तो आप मुनावर भाई आप थोड़ा बाहर हो 3 2 नहीं मतलब मैं बोलता हूँ मैं काम देता हूँ चलो 3 2 1 मैं तो बहुत गंदा दिया वापस 3 2 1 बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोग ने बहुत अच्छे से जाने एक दूसरे को और सबके अच्छी अच्छी मतलब बैक स्टोरी है सबके सबकी स्ट्रगल स्टोरी है बहुत बहुत मेहनत करके सब लोग यहाँ तक आए तो सब लोगों के बारे में जानना पहचानना बहुत अच्छा लगा मैं प्रिंस भाई से मिला था मगर इतने अच्छे से नहीं मिला था नकुल भाई से मिला था इतने अच्छे से नहीं मिला था और भाई अपनी जान है इधर पर बस मतलब खतरों के खिलाड़ी से हम दोस्ती हुई हमारी एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट 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 फ्रेंडशिप मतलब हम बहुत सिमिलर हैं तभी इतने अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा लड़का है मेरा भाई थैंक यू मेरी जान हम लोग की वाइफ एक ही है 2022 की मैं बात करूँ जितने भी आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखा सभी ने एक गेम चेंजिंग मोमेंट था उनके लिए 2023 आप किस तरह से देख रहे हो 2022 की तरह क्योंकि 2022 बहुत लक्की था और यही है बस चीज़ें जो आ रही है बस उसे करते रहो और पता नहीं यार किसकी नसीब में क्या कितना रिस्क लिखा हुआ है जितना उसकी नसीब में उतना ही उसको मिलेगा तो बस मैं भी ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा हूँ 2023 के लिए बट ये होप फॉर द बेस्ट जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उसका फल हम लोगों को तो मिल ही रहा है बस ऐसे ही मिलते रहे भाई को भी और मेरे को भी शुरुआती दौर में पहले महीने की बात करूँ किस तरह के प्रोजेक्ट आने की संभावना है नहीं भाई ऐसा तो कुछ है नहीं और इंशाल्लाह अगर जैसा आप कुछ सोच रहे हो वैसा मुझे कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाए और बस एक्सपेक्टेशन है बहुत सारी चीज़ों की क्योंकि खुद को ग्रूव कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं इतना टाइम दे रहे हैं बट ये है कि हम कुछ ऐसा पर्टिकुलर सोच रहे नहीं है मूवी का है मूवी का प्लान है बट होप फॉर द बेस्ट अगर मूवी जो मेहनत करते हैं उनको फल मिलता ही मिलता है चाहे कोई भी कुछ भी करते हैं Yes. बिग बॉस की बात करें अब्दू इविक्ट हो चुके हैं उसके बारे में क्या कहना चाहोगे अब्दू से मैं कल ही मिला हूँ और अब्दू इविक्ट हो गया है पता नहीं शायद वो जा भी सकता है वापस कुछ भी बोल सकते हैं कुछ क्या पता नहीं बातचीत हुई अगर नहीं मेरी तो बस उससे ऐसी बातचीत हुई थी मैं उससे पहले भी एक बार मिल चुका हूँ तो वही बेस पे बातचीत हुई शो से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं हुई है ऐसा नहीं है मैं मीडिया के सामने खड़ा हूँ इसलिए बोल रहा नहीं हूँ बट हाँ सच में शो से रिगार्डिंग नहीं हुई बहुत क्यूट है बहुत स्वीट है वो और उससे बात करने में ना मतलब एक अपनापन है यार टाइम कब चला जाता मालूम ही नहीं पड़ता और इसके अलावा प्रतीक आप कुछ बताना चाहोगे बिग बॉस के बारे में कुछ आप फॉलो कर पा रहे हो आप लोगों की टॉप 3 मैं जानना चाहूँगा अगर कोई भी टॉप 3 अगर आप बोल सको कौन होगा इस साल यार मैं तो ऑनेस्टली ज़्यादा शो देख नहीं पा रहा नहीं मैं बताऊँ ना सच्ची बात मैं दो जन को बहुत अच्छे से जानता हूँ शो में एक MC Stan और एक अब्दू और दोनों अच्छा खेल भी रहे
और रही बात शो को ऐसा कंटिन्यू देखते रहने की, तो मैं तो सच बता रहा हूँ कि मैं इतना फॉलोअप में नहीं था, क्योंकि ये रियलिटी शो मेरा जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही ख़त्म हुआ है। उसके बाद में मैं ट्रिप पे चला गया और अभी मैं बस वापस रिटर्न आया हूँ। तो बट हाँ, ये है कि अभी मेरे को बहुत बार, दो बार हो गया है, सवाल आ चुका है बिग बॉस से रिगार्डिंग, और मुझे देखना भी है, तो बस आज या कल से मैं स्टार्ट करूंगा। टॉप 3 ट्रॉफी के कंटेंडर्स से ज़्यादा कौन किसको कितना प्यार मिल रहा है वो मैटर ज़्यादा करता है, एंड लोग प्यार करना चाहिए। जिसके नाम हम सुन रहे हैं, जिसके आप सवाल पूछ रहे हो, वही प्यार उनको मिल रहा है, आई एम श्योर, एंड आई थिंक वही मैटर करता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो सेकंड थे उसको काफ़ी प्यार मिला था। अरे लोगों की तरफ से भाई प्यार करने। इसके अलावा टीम 07 के साथ क्या कुछ नए प्रोजेक्ट, क्योंकि टीम 07 से ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अदनान का जस्ट अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, हाँ इधर का, और हसनैन यहाँ नहीं रहता, हसनैन धरावी में रहता, तो उसका बहुत कम आना जाना है, और फैज़ से मैं मिल पा रहा हूँ, शादान से मैं कभी कभी जिम में मिल लेता हूँ, बट हाँ बहुत जल्दी हम लोग भी कुछ करने वाले, कुछ अच्छा करेंगे। एंड निमृत कौर भी है बिग बॉस में, उसके बारे में अगर आपने कुछ गेम देखा होगा निमृत कौर के बारे में, आपने प्रतीक देखा है कि निमृत कौर? मैंने नहीं देखा यार बिल्कुल भी सच में। तो क्या विशेष देना चाहेंगे आप लोग? मैं सबको यही विशेष दूंगा, सबको, एक एक बंदे को बिग बॉस के अंदर और बिग बॉस के बाहर भी, कि भैया अच्छा रहो, खुश रहो, जो दिल चाहता है वो करो, एंड जस्ट डू वेल इन लाइफ। ये प्रतीक ने तो ऐसा किया है, और वो बेचारा बोल रहा है, नहीं नहीं मेरी जान तू बेचारा नहीं है, तू इतना अच्छा खेला है और तेरा हक था उस चीज़ पे, मगर हक में जो चीज़ रहेगी वही मिलेगी। मेरा भी हक था भाई, हम हमारा हक है तभी हम, मेरे को भी तो बेचारा बोलते मेरे को अच्छा लगेगा। हम मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है बात, वो तो हाँ। दोनों रनर अपने सामने, तो अभी देखो, अभी इंशाल्लाह हम लोग खुद का ही शो ना बना दे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, मस्ती करें गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, फोटो कर ले। ओके आज एक फोटो शाहरुख ले ले, हाँ इधर, मैं तुमको उठाना चाहता, अरे आ जा रहा, उठा रहे भाई, लव यू डार्लिंग, लव यू सो मच भाई।